बताना होगा।
बहुत बार उसके मतलब पैसे की वैल्यू या चीज़ों की वैल्यू के इम्पोर्टेंस के बारे में समझाने की कोशिश की है, बट सीमा डिड नॉट वांट टू अंडरस्टैंड, लेकिन सीमा इन चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं थी। ऑन हर वे होम सी क्राइड हर्सेल्फ टू स्लीप इन द कार। जब मॉल से वो घर वापस लौट रहे थे तो रास्ते में कार के अंदर सीमा क्या कर रही थी, उनकी बातों को ना सुन रही थी ना समझ रही थी और बस वो रोती जा रही थी और रोते रोते वो क्या कर रही सो भी गई थी। When she wake up, she continued her demand of the doll house. She could not understand why her parents refused her demand. जब उसकी आँख खुली मतलब गाड़ी में ऑलरेडी वो सो गई थी कार में, जब घर पहुँचने के बाद उसकी आँख खुली और आँख खुलने के बाद वो तुरंत फिर उसी डॉल और डॉल हाउस को लेके उसने फिर अपने पेरेंट्स के सामने डिमांड रखी और उसके लिए जिद करने लगी। एंड हर पेरेंट्स रिफ्यूज हर डिमांड, और उसके पेरेंट्स बार बार उस डिमांड को पूरा करने के लिए मना कर रहे हैं, ठीक नाराजगी जता रहे हैं। हर पेरेंट्स एक्सप्लेन टू हर सीमा योर बिहेवियर एट द मॉल वाज बैड, और उनके पेरेंट्स ने उनको ये समझाया कि सीमा तुम्हारे मॉल में जो तुम्हारा बिहेवियर था वो बिल्कुल ही खराब था या गलत था। यू कैन रिक्वेस्ट फॉर समथिंग, तुम किसी चीज के लिए रिक्वेस्ट नहीं कर सकती हो, बट यू कैन इंस्टिंक्ट, लेकिन तुम तो वहाँ जिद कर रही थी। रिक्वेस्ट करना और जिद करना ये दोनों चीज़ें डिफरेंट है। अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हम पोलाइटली उसके लिए मांग सकते हैं, लेकिन अगर जिद करना वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो वहाँ पे सीमा क्या कर रही थी, वो जिद पे आ रही थी। You can request for something, but you can instill. They continue to look. You already have a lot of dolls. उन्होंने कहा, अब तुम घर में आ चुके हो, तुम अपने घर में देखो, already तुम्हारे पास इतने सारे toys हैं. Sadly, Seema did not understand what dolls were the value. ठीक है? और उन्होंने क्या किया? There are many poor children who have no toys. तुम्हारे पास देखो कमरे में इतना सारा toys है, लेकिन यहाँ बहुत सारे poor children हैं. गरीब बच्चे हैं जिनके पास कोई खिलौना नहीं है, कोई टॉयज नहीं है, लेकिन सीमा इन चीज़ों को सुनने के लिए तैयार नहीं थी या समझने के लिए तैयार नहीं थी, तो वो गुस्से में कहाँ चली गई, अपनी बालकनी में चली गई। सी कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाई सी कुड नॉट हैव द डॉल हाउस, वो ये नहीं समझ पा रही थी क्यों मेरे पास डॉल हाउस नहीं होना चाहिए, क्यों मेरे पेरेंट्स ने मुझे डॉल हाउस नहीं दिया। व्हाइल स्टैंडिंग इन द बालकनी सी सॉ दैट सम कंस्ट्रक्शन वर्क हैड स्टार्टेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस, जब वो अपनी बालकनी में खड़ी हो रही थी तो वहाँ देखा दो घर के बाहर उनके घर के पास कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये न्यू हाउस वॉज बींग बिल्ट, एक नया घर बन रहा था। मेनी कंस्ट्रक्शन वर्कर वेयर वर्किंग एंड लिविंग देयर विद देयर फैमिलीज, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर क्या कर रहे थे वहाँ पे रहते थे, किसके साथ, अपने बच्चे और फैमिली मतलब परिवार के साथ। Suddenly she noticed a little girl happily playing with a rag ball made by tying old cloths together. मैंने तुरंत उसने नोटिस किया कि वहाँ पे एक छोटी सी लड़की थी जो बहुत खुशी से एक क्या कहते हैं एक टूटा फूटा चिथड़ा हुआ बॉल के साथ वो बड़े आराम से खेल रही थी। सी ऑल्सो सॉ ए बॉय हैप्पी प्लेइंग विथ एन ओल्ड टायर, और क्या देखा उसने एक और एक लड़की को भी देखा जो कि किसके साथ खेल रहा था, एक साइकिल के टायर, पुराने साइकिल में टायर निकाल दिया जाता है, जब टायर खराब हो जाता है उसको निकाल दिया जाता है, तो वो पुराने टायर के साथ बड़े खुशी से वो भी खेल रहा था। सी इमीडिएटली रियलाइज हर मिस्टेक, तो तुरंत सीमा वहाँ में कुछ सोचने लगी, मतलब सोचने उसको ये लगा कि मैं एक नए खिलौने के लिए तो जिद कर रही थी, लेकिन वहाँ में तो बच्चों के पास कोई खिलौना नहीं है, तब भी वो टूटे फूटे चीज़ों से खेल के बड़े खुश हैं और मेरे पास इतना सारा खिलौना होते भी मैं दुखी हूँ। सॉ मेनी मोर पुअर चिल्ड्रन प्लेइंग देयर विद स्टिक्स ओल्ड साइकिल टायर्स एंड टिन बॉक्सेस। नेक्स्ट डे मतलब दूसरे दिन उसने क्या देखा, बहुत सारे बच्चे वहाँ पे खेल रहे थे किससे, स्टिक से और ओल्ड साइकिल पुराने हुए साइकिल टायर से एंड टीन बॉक्सेस, और टीन जो टीन पुराने टीन होते हैं जो हम लोग फेंक देते हैं तो उसको यूज़ करके वो लोग खेल रहे थे। सीरियल
व्हाटएवर दिखा है, तो उसने रियलाइज किया वो बच्चे जो भी उनके पास अवेलेबल है, जो भी उनके पास है, वो उसी से खुश है और उसी से वो खेल रहे हैं। एंड सी वॉज नॉट हैप्पी इवन थ्रो सी हैड मच मोर, बट उसके पास इतने सारे खिलौना होने के बावजूद वो खुश नहीं थे। सी रस्ट हर पेरेंट्स एंड सेड आई एम सॉरी फॉर बिहेविंग बैडली यस्टरडे। तुरंत वो दौड़ के अपने पास अपने पेरेंट्स के पास पहुंच गई और वहां जाके अपने पेरेंट्स से क्या कहा कि आई एम सॉरी फॉर बिहेविंग बैडली यस्टरडे। मम्मी पापा कल मैंने जो आपको बिहेव किया था या मॉल में जो मेरा बिहेवियर था उसके लिए मैं सॉरी फील कर रही हूँ, आपसे सॉरी बोल रही हूँ। आई डू नॉट वॉन्ट द डॉल एंड द डॉल हाउस, मुझे कोई डॉल या डॉल हाउस नहीं चाहिए। इन फैक्ट आई वॉन्ट टू गिव सम ऑफ माई टॉयज एंड क्लॉथ्स टू द चिल्ड्रेन अक्रॉस द रोड हू नीड देम मोर देन आई डू। उसने क्या किया, आई वॉन्ट टू गिव सम ऑफ माई टॉयज, मैं अपनी कुछ टॉयज को मैं उन बच्चों को देना चाहती हूँ जो रोड के साइड में जिनके पास टॉयज नहीं है, खिलौने नहीं है खेलने के लिए, उनके पास कोई साधन नहीं है। सीमा's पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी टू सी द चेंज इन हर। सीमा के पेरेंट्स जब अपने बच्चे के अंदर इतना बड़ा चेंजेस आ गया वो देख के वो खुश हो गए। दे आस्क्ड सीमा टू गेट सम ऑफ हर ओल्ड टॉयज, उन्होंने सीमा से कहा गेट सम हर ओल्ड। अच्छा ठीक है, अगर तुम ये चाहती हो तो तुम्हारे पास जो पुराने टॉयज हैं तुम वो दे दो। हर मदर पैक देम विद सम ऑफ हर ओल्ड टॉयज, और उनकी मम्मा ने क्या किया उस पुराने टॉयज को पैक करके पुराने कपड़ों में उसको पैक करके तैयार किया। देन दे टुक सीमा अक्रॉस द रोड टू गिव द थिंग्स टू द चिल्ड्रन। उसके बाद वो क्या किया, सीमा को अपने साथ लेके गए और उनके किनारे जो गरीब बच्चे पुअर बच्चे घूम रहे थे उनको उन्होंने वो सारे टॉयज को देने के लिए। सीमा हैप्पी ने गिव मेनी मोर टॉयज एंड क्रॉस टू द चिल्ड्रन, और सीमा बहुत खुशी खुशी अपने बहुत सारे टॉयज और पुराने कपड़े जो उसके पास सुरक्षित थे अच्छे से थे वो उनको सब डिस्ट्रीब्यूट करने लगी या बच्चों को देने लगी। द चिल्ड्रेन वेयर वेरी हैप्पी फॉर द थिंग्स एंड थैंक सीमा एंड हर पेरेंट्स। तो बच्चे जो उनको पुअर बच्चे जो थे उनको जब ये सारी चीज़ें मिल गया तो वो बहुत खुश हो गए, और खुश होने के बाद वो सीमा और उनके पेरेंट्स को थैंक्स। आफ्टर ए मंथ सीमा's पेरेंट्स बर्ड फॉर ए डॉल एंड द डॉल हाउस। आफ्टर कुछ मंथ के बाद कुछ महीने के बाद सीमा के पेरेंट्स सीमा के लिए वही डॉल और डॉल हाउस लाके उसको दिए। सी फेल्ट हैप्पी एंड थैंकफुल टू पेरेंट्स, और वो खुद जब उनके पेरेंट्स ये चीज़ भले कुछ दिन नहीं थी लेकिन काफ़ी दिनों के बाद उसे वो चीज़ दोबारा मिला तो उससे वो बहुत खुश हो गई और अपने पेरेंट्स को थैंक कर दी। सिंस देन सी ऑलवेज गेव हर टॉयज एंड क्लॉथ्स दैट वेयर इन गुड कंडीशन टू द लेडी चिल्ड्रन। सिंस देन सी ऑलवेज, उसके बाद वो ये जो उसके अंदर ये जो सोच थी वो उसको एक आदत बनाने लगी कि हमेशा उसके पास जो चीज़ें जो पुराने खिलौने पुराने कपड़े जो सही सलामत रहते थे या अच्छे थे उसको हमेशा वो नीडी पुअर बच्चों को देने लगे। सी फेल्ट इक्वली हैप्पी बाय गिविंग गिफ्ट एज शी डिड बाय रिसीविंग गिफ्ट।
भी शेयर है, ब्लेसिंग मतलब जैसे पेरेंट्स ने हमको कोई चीज़ दिए हैं तो वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, तो उस ब्लेसिंग को अगर हमने किसी और को दिया तो वहाँ पे हमने शेयर किया, ठीक। अगर हमें कोई चीज़ ब्लेसिंग मिल रहा है तो उस ब्लेसिंग को हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए। किसके साथ? नीडी पर्सन के साथ, ठीक है। अब ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। इसी चैप्टर से रिलेटेड बुक एक्सरसाइज में है, इस बुक एक्सरसाइज को आपको बुक में फिल करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वन, आप अपनी बुक के पेज नंबर 4, ठीक है, पेज नंबर 4 ओपन करिए, जहाँ में बुक एक्सरसाइज स्टार्ट है। ये सारा वर्क आपको बुक में ही फिल करना है। दो तीन पहला क्वेश्चन है, लिख द करेक्ट आंसर। पहले में हमें कुछ स्टेटमेंट किया गया है, अगर वो सही है वहाँ पे टिक लगाना है, अगर गलत है तो वहाँ पे हमें क्रॉस लगाना है। सीमा'स पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय द थिंग्स फॉर हर टिल शी वाज थैंकफुल फॉर देम। सीमा पेरेंट्स रिफ्यूज टू बाय द थिंग्स, सीमा के पेरेंट्स कोई उस चीज को खरीदने के लिए नहीं चाहते थे, क्यों? थिंग्स फॉर हर टिल शी वाज थैंकफुल फॉर देम, कि जब तक सीमा उनको थैंक्स नहीं बोलती है तब तक वो उसको वो चीज़ खरीद के नहीं देंगे। क्या ये सही है? ये गलत है, दैट इज रॉन्ग। सीमा स्टैंड हर फीट इन द एंगल, सीमा गुस्से से अपने पैर पटक रही, दैट इज ट्रू। द नेक्स्ट, सीमा स्कॉल्डेड हर पेरेंट्स फॉर देयर बिहेवियर, सीमा उसके बिहेवियर, सीमा के बिहेवियर के लिए क्या उसके पेरेंट्स को स्कॉल्डेड कर रहे थे, मतलब स्कॉल्ड कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, गुस्सा रहे थे, उसको डांट रहे थे? नहीं, उन्होंने डांटा नहीं उनको, उन्होंने उसको प्यार से समझाया और उसको मना किया, ठीक। तो दैट इज रॉन्ग। सीमा थैंक गॉड फॉर द ब्लेसिंग ही गिव हर, सीमा थैंक गॉड, सीमा गॉड को थैंक्स गिवे ही फॉर द ब्लेसिंग ही गिव हर, जो ब्लेसिंग उन्होंने सीमा को दिया है ईश्वर की तरफ से या भगवान की तरफ से या गॉड की तरफ से, जो ब्लेसिंग मिलता है उसके लिए सीमा उनको थैंक्स गॉड को थैंक्स बोलती है, दैट इज राइट। द चिल्ड्रन वर थैंकफुल टू सीमा एंड हर मदर, क्या जो बच्चों नीडी बच्चे थे, नीडी चिल्ड्रन थे, उनको जो चीज़ें मिला उसके लिए उन्होंने सीमा और उनके मदर को थैंक्स कहा? यस, दैट इज राइट। राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बुक में, ठीक है। थैंक्स गिविंग, देन ब्लेसिंग, नीडी, नीड एंड शेयरिंग, ये चारों वर्ड दिए गए हैं। उसके आपको क्या लिखना है, डेफिनेशन लिखना है, तो मैंने ये चार डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है। फर्स्ट इज थैंक्स गिविंग, तो डेफिनेशन इज बीइंग ग्रेटफुल फॉर समथिंग। नेक्स्ट वन इज ब्लेसिंग, द डेफिनेशन इज रिसीविंग थिंग्स फ्रॉम गॉड। देन नीड, नीड डेफिनेशन इज टू बी एसेंशियल। देन नेक्स्ट नंबर 4 शेयरिंग, शेयरिंग डेफिनेशन इज टू गिव समथिंग यू हैव टू अदर्स, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द सेंटेंसेस, यहाँ पे सेंटेंसेस दिया हुआ है और वो कंप्लीट नहीं है, आपको आगे की लाइनिंग को लिख के कंप्लीट करना है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सीमा योर बिहेवियर, आगे लाइन आपको कंप्लीट करनी है। सीमा योर बिहेवियर एट द मॉल वाज बैड। नेक्स्ट, सडनली सी नोटिस्ड ए लिटिल गर्ल, आगे तो आपको क्या लिखना है, हैप्पीली प्लेइंग विद ए रेड बॉल मेड बाय ड्राइंग अ ओल्ड क्लॉथ हियर, ठीक है। नेक्स्ट, आफ्टर ए मंथ सीमा पेरेंट्स बॉट हर ए डॉल एंड सिंगल हाउस, ओके। ये आपकी बुक के अंदर की जो स्टोरीज है उसी लाइन से आपको देखते ही कंप्लीट करना है, जो हमें आगे की लाइन फिट गया है उसको भी आपको ऐसे ही बुक में फिट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें आपके क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको बुक में फिल करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डिड सीमा वांट, द आंसर इज सीमा वांटेड हर पेरेंट्स टू बाय ए बिग डॉल हाउस। सीमा क्या चाहती थी, सीमा अपने पेरेंट्स से एक बहुत बड़ा डॉल और बिग हाउस खरीदवाना चाहती थी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज
क्लॉज टू फोर चिल्ड्रेन, ठीक है। तो सीमा ने क्या किया, सीमा क्या कर क्या, सीमा हर चीज के अपने लिए जिद कर रही थी। अब सीमा के अंदर ये चेंजेस आया कि सीमा अब किसी चीज के लिए जिद नहीं थी और वो अपनी जो पुरानी चीजें हैं उसको वो गरीब बच्चों को कपड़े हो टॉयज हो वो सब बच्चों को दे रही थी। देन क्वेश्चन नंबर की पॉइंट ऑफ व्यू, डू यू एग्री विद सीमास पेरेंट्स और डू यू हैव अनदर ओपिनियन। अगर आप सीमा के पेरेंट्स की जो थॉट थी उसके साथ एग्री है, अगर नहीं तो फिर और अगर कोई आपका अलग ओपिनियन है तो वो आप एक्सप्रेस करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर यस आई एम सोली एग्री विद हिम। यस, हम यहाँ पे सीमा के पेरेंट्स के साथ उनके ओपिनियन के साथ एग्री है, ठीक। आगे क्वेश्चन नंबर एट में कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी, इसमें आपके स्टोरी के कैरेक्टर तीन कैरेक्टर आपको लिखना है और तीनों कैरेक्टर उनके बारे में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर एट जो है, क्वेश्चन नंबर एट देन क्वेश्चन नंबर जी, ये आपका होमवर्क है, इसको आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर एट, क्वेश्चन नंबर जी एंड क्वेश्चन नंबर एच, ये तीनों आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा। ये आपके खुद के ओपिनियन होना चाहिए, इसमें क्या कंप्लीट करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एट में क्या दे रहा है, तीन कैरेक्टर को आपको उसमें ढूंढ के लिखना है स्टोरी में और उनके बारे में लिखना है। और क्वेश्चन नंबर जी में टास्क टू डू, ये आपके लिए टास्क है, उस टास्क को आपको फिल करना है, वो सही है गलत है। देन क्वेश्चन नंबर एच में कलर द स्टार, यहाँ पे स्टार दिया है, स्टार को आपको कलर करना है। तो एफ जी एच तीनों आपके लिए होमवर्क है, या आपके लिए टास्क है, आपको खुद इसको फिल करना है। देन नेक्स्ट हम आपको जीके के बारे में बता रहे हैं, ये आपकी क्लास फोर की जीके बुक है। इस जीके के वर्क में हमने यहाँ पे होमवर्क लिखा है, इसमें आपको करना क्या है, जीके का वर्क सिर्फ बुक में ही फिल करना है, ठीक है। यहाँ पे आपके चैप्टर नंबर वन से लेके चैप्टर नंबर फाइव तक आपको इसमें बुक को फिल करना है, ठीक। चैप्टर नंबर फाइव मीन्स पेज नंबर नाइन, देखिए यहाँ तक आपको पूरा पेज चैप्टर वन से लेके चैप्टर फाइव तक पूरी बुक फिल करना है। अगर आप चाहें तो पीछे इसके आंसर शीट है, इस आंसर शीट को हेल्प इसके हेल्प ले